यहाँ शादी शगुन प्यार अपनापन सब झूठ है, नाटक है, सब कुछ धोखा है। कृष्णा जी, हमने आपको कभी फंसाने की कोशिश नहीं की, हमने सिर्फ रिश्ता बचाना सीखा। बिल्कुल नहीं, रिश्तों को चालाकी से नहीं बल्कि ईमानदारी से बचाना चाहिए। बिंदिया जी, कृष्णा जी, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। हमें एक और शब्द और नहीं सुनना, प्लीज जाओ यहाँ से। चलो मान लिया हम झूठे हैं, हम गलत हैं, पर तुम तो सच्चे हो ना, तो ठीक है, आज तुम अपनी सच्चाई साबित करोगे। ये लो, भर लो बिंदी की मांग। क्या क्रिश होने देगा सैम और बिंदिया की शादी? आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि किस तरीके से शो की कहानी आगे बढ़ती है और किस तरीके से हम ये भी देखते हैं कि जो सैम और बिंदिया है वो शादी करने के लिए तैयार है। सैम और बिंदिया की शादी होने जा रही होती है और दूसरी तरफ क्रिश बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। क्या ये शादी हो जाएगी? बिंदी की मांग भर कर आज साबित कर दो कि हम और बड़ी मां गलत है। अगर ये शादी हो गई तो बिंदिया तो मेरी नहीं रहेगी, तो ऐसे में सैम को देखकर क्रिश के मन में बहुत कुछ चल रहा है कि काश इसकी जगह मैं होता। लेकिन क्रिश यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करेगा बल्कि वो सैम को हटाकर खुद ही बिंदिया की मांग भरने लगेगा। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में आप यही देखेंगे कि जो सैम है वो बिंदिया की मांग भर रहा होगा और अचानक से यहाँ पर क्रिश आएगा और बिंदिया की मांग भर देगा, जिसके बाद पायल के भी होश उड़ जाएंगे और बिंदिया के भी होश उड़ जाएंगे। यानी कि क्रिश से रुका नहीं गया, क्रिश जो है पायल को भी ये बात समझाता हुआ दिखाई देता है कि पायल मुझे बिंदिया से प्यार है, तुम्हारे साथ मेरा अट्रैक्शन था। अब यहाँ पर पायल कहती है, वाह क्रिश, हमसे शादी करके अब तुम हमारी बहन को पसंद कर रहे हो और हमारे प्यार को ये नाम दे रहे हो। अब यहाँ पर क्रिश जो है हाथ जोड़ लेता है, पायल से कहता है, पायल देखो बात को समझो, नहीं हो रहा है हमसे, हम ऐसे नहीं रह सकते हम इसके बिना। तो आने वाले एपिसोड में आपको यही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है कि सैम और बिंदिया की शादी के आड़ में हो जाएगी क्रिश और बिंदिया की शादी और ये दोनों हो जाएंगे फिर एक, और आगे देखने को मिलेगा इनके साथ हमें ये नया एपिसोड। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।